over here! I won't let you foil my plans again! This time, I'm prepared! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel like I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, bring it to your dreams. Life ain't really what it seems, try to find a way. It's been on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never prove it, never listen to the no's. I just wanna keep moving, yeah, I put. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars, it's my only medicine. सो यो हेलो व्हाट्सअप गेमर्स, मेरा नाम अनुर, आप देख रहे हैं गेमिंग यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो गेम प्ले रिव्यू करने वाले हैं बेंटन अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम का। सो गाइस, ये जो गेम है डॉल्फिन मेटर मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये जो है MMG वाला वर्जन है इसका। और ये जो है मैं आज आपको जो है टेस्ट करने वाला हूँ अपने जो डिवाइस में, रेडमी नोट 7 एस। गाइज, जैसे आप जो है इसको देख के जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके डिवाइस में भी ये जो है कैसे वर्क करेगा, और बेंटन अल्टीमेट एलियन जो है डॉल्फिन एमुलेटर वाला। सो और गाइज, इस पर जो है मैं ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे इसको जो है डाउनलोड प्ले करेंगे गेम को। सो करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट, और देखते हैं कि ये जो गेम है कैसे चलती है मेरे डिवाइस में। और आपको जो है डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और इस गेम का जो मेरे डिवाइस का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 665 है। एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके डिवाइस में कैसे ये वर्क करेगा गेम। सो गाइज, फर्स्ट जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डॉल्फिन एमुलेटर में MMG वाले मैं प्ले करने वाला हूँ। और मैंने इसमें जो इसको जो है ओरिजिनल वाले में भी ट्राई किया था, बट मेरे डिवाइस में वो जो है अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, अटक रही थी गेम। और सो उसके लिए मैं इस पर जो है गेम प्ले रिव्यू नहीं कर पाया। तो मैं जो है डॉल्फिन एमुलेटर MMG वाले में आपको जो है प्ले करके दिखाने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। अब जो है फाइनली ये जो है प्ले होने वाली है गेम, जब हम देखेंगे कैरेक्टर को प्ले करते टाइम कितना FPS जो आता है और गेम हमारी कैसे वर्क होती है। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे जो बैन फंस गया है। सो अब ये जाएगा आगे, तो देखते हैं फिर कैसे ये जो है गेम प्ले वर्क करती है गेम। सो गाइस, आप देख सकते हो इस टाइम अगर आप FPS में देखोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 20 से अब अभी जा रहा है FPS, और 22, 21 ऐसे ऐसे FPS जा रहा है। और अभी भी वैसे तो थोड़ा सा आपको स्लो देखने के लिए गेम मिल रहा है, बट इतना भी इसमें जो है कोई आपको इतना दिक्कत नहीं दिख रहा है जैसे, और थोड़ा सा स्लो गेम आपको देखने को मिल रहा है। बट आगे देखते हैं कैसे हमारे जो गेम है वो प्ले करता है ये। सो गाइस, जैसे कि अब थोड़ा सा बातचीत का हो रही है इनमें से, तो अब थोड़ी सी बातचीत हो रही है। उसके बाद जो है जैसे कि अगर आपने खेला होगा तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो है लीवर को जो खींचना है, और ये जो है ग्वेन बोल रही है कुछ। सो गाइस, उसके बाद जो है आप देख सकते हो यहाँ पे इसको लीवर को नीचे करना है। सो ये कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है एनिमीज आ जाएंगे ये छोटे छोटे। सो इनको अब बैंड बजाने का टाइम आ गया है इनका। सो चलते हैं फिर दीज गाइस। सो गाइस, उसके बाद मैंने जो थोड़ा सा चेंजेस किया एम्पियोलियन और वाटर हैजर्ड को जो है चेंज कर दिया उससे। तो उसके बाद जो है एम्पियोलियन जो जैसे कि आ गया है, तो इसको देखते हैं कैसे ये जो फाइट करते हैं। और आपको देख सकते हो 27 30 तक पहुंच गया था ये FPS,
और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में ये स्लो डाउन हो गया, तो ये इफेक्ट जो है इसमें VI गेम में जो है देखने को मिल रहा है, जो बेन 10 कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन की जो है मैंने इसमें जो है PSP में, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने प्ले किया है उसमें भी और आपको ट्यूटोरियल भी दिया है इसका, उसमें मैंने देखा है उसमें ऐसे नहीं आता है कि स्लो मोशन में जो है ये फिनिश करे जैसे एनिमेज को, तो ये इसमें है और काफ़ी कूल जो है ये लग रहा है देखने में, जैसे ये जो होता है फाइनल में। सो वैसे तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले इस टाइम बन रहा है और जैसे प्ले कर रहा हूँ तो अच्छे तरीके से ये जो है वर्क कर रही है, आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे। और FPS भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 30 तक चला है FPS, और या अभी करेक्टर प्ले हो रहा है 30 तक चला है, तो बहुत ही अच्छा जो है स्मूद हो रही है गेम प्ले यहाँ पे। तो आप अपने डिवाइस में भी इसको जरूर से देख सकते हो और आपको अपने आइडिया ले सकते हो एक यहाँ से कि आपके डिवाइस में कैसे प्ले होगा। और प्ले करते हैं और देखते हैं FPS डाउन हो जाता है या नहीं। सो थोड़ा सा और प्ले करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये ऊपर नहीं जाया जा रहा था इससे, तो स्वंग फायर को हमने बुलाया और उससे जो है थोड़ी सी जंप पे लगवाई। तो यहाँ पे वाटर हैजर्ड से थोड़ी सी फायर करके देखते हैं इसमें जो है कैसा हमें देखने को मिलता है FPS कम ज़्यादा। वैसे तो FPS मेरे हिसाब से तो उतना ही है, जैसे कि 30 आप देख सकते हो अभी भी 20 तक आ गया है, फिर से 25 उतना ही है, 30-25 ऐसे करके। सो गाइज अभी थोड़ा सा इससे भी फाइट कर लेते हैं डिशिंग थोड़ी सी। सो ये देखिए आप जो है जैसे कि फाइट हो रही है, तो लास्ट में जब एनिमी को जैसे कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है तो कूल देखने को लग रहा है जैसे कि। सो ये जो है इसी में ही है इफेक्ट जो BI की गेम है, और भी हो सकता है जैसे मैंने जो देखा PSP में वहाँ पे नहीं है। वैसे जो है इस यहाँ पे जो है गेम प्ले हो रही है, आप जो है इससे आइडिया ले सकते हो। तो आप जो है मुझे बताइएगा आपको जो है वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे जो है रिव्यू भी करा करूँ जो गेम्स का, तो आप जो है मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और गाइज मैं इसका जो है ट्यूटोरियल जल्दी लेके आ जाऊँगा, तब तक आप जो है वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो आपसे एक इंटरेस्टिंग गेम यूनिट में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।